everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So in today's video we're gonna discuss field other than MBBS and BDS. देखो MBBS and BDS both अगर इनमें से किसी में भी आपका admission हो रहा है तो you must have to enroll yourself in it. Even तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि BDS का opportunity खो देते हैं और वो MBBS के लिए repeat करते हैं. तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगी ऐसे मत करो. अगर आप बहुत ज़्यादा MBBS के लिए passionate हो तो एटलीस्ट आपको BDS में admission लेकर MBBS में तैयारी MBBS के लिए तैयारी कर सकते हो. हमारे क्लास में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो BDS में रह के उनका एडमिशन MBBS में हुआ है. तो ऐसा पॉसिबल है अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो MBBS के लिए. अदरवाइज गाइस मैं अगर अपने दिल से बताऊँ तो मुझे BDS पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा फील्ड पसंद है. ऐसा नहीं कि मेरी फील्ड है इसलिए, बट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत स्कोप है. आप जो है ना वो अपना ओन क्लिनिक आराम से खोल सकते हो सिर्फ 4 साल बाद. इस सबसे बड़ा मुझे जो इसका बेनिफिट लगता है ना वो ये है. इसके अलावा आप 4 साल बाद करने के बाद 1 साल हाउस जॉब करके यू विल हैव यू कैन अप्लाई अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. MBBS BDS दोनों की वर्थ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है. तो बहुत फील से हूँ एंड आई लव माई फील्ड एंड आई स्टार्ट लविंग माई फील्ड. एक्चुअली आई वॉज देयर बाई लक, नॉट बाई मैरिट. तो आई वॉज देयर बाई लक, ठीक है. तो आई स्टार्ट लविंग माई फील्ड मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. अच्छा अब नाउ लेट्स डिस्कस. सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है कि फील्ड अदर देन MBBS एंड BDS. देखो मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का बताऊंगी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेटर है. देखो हर सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, हर फील्ड बहुत बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है. यू हैव टू बी वेरी गुड इन इट, ठीक है. कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती. बट आई विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द स्कोप, कितना स्कोप है उसका आजकल में और क्या स्कोप है, ठीक है. तो बाकी हर फील्ड बहुत अच्छी है, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो वो फील्ड आपके लिए सबसे बेस्ट है. नाउ लेट्स डिस्कस BDS और MBBS के बाद सबसे ज़्यादा फार्मेसी की तरफ लोग जाते हैं, बिकॉज फार्मेसी इज़ काइंड ऑफ फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है. फार्मेसी जो फार्मासिस्ट जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है. तो फार्मासिस्ट एक बहुत अच्छी फील्ड है. आप उस आपको जो है ना वो डॉक्टर के नाम से पहचाने जाते हो, आपको डॉक्टर कहते हो. और इवन आपकी स्टडीज़ MBBS वाली MBBS BDS वाली सारी पढ़ाई होती है. बल्कि मैं कहती हूँ फार्मेसी इज़ अ काइंड ऑफ वेरी हार्ड सब्जेक्ट. हमारा फार्मेसी एक सब्जेक्ट है एंड दिस इज़ रियली वेरी हार्ड. तो फार्मेसी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, यू गाइस कैन गो फॉर इट. आपको उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बट आपको इन द एंड यू विल हैव अ गुड रिजल्ट, यू विल बी कॉल्ड एज डॉक्टर, ठीक है. तो इसलिए बहुत सारे बच्चे फार्मेसी में जाने के लिए करते हैं. फार्मेसी MBBS और BDS के बाद सबसे बेस्ट है और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अच्छी है. देन DPT आती है. DPT में भी आपको एज अ डॉक्टर कहा जाता है, बट DPT के अंदर ये होता है मुझे जो लगता है पर्सनली. देखो गर्ल्स के लिए तब अच्छा है अगर आपको अब्रॉड जाना है, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो मुझे DPT गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं लगता. बट DPT फॉर बॉयज़ इज़ बेस्ट, ठीक है. तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है. अगर आपका बहुत दिल चाहता है कि डॉक्टर आपके नाम के साथ हो तो DPT में भी आपको एज अ डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है. इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो और फील्ड इससे बेटर है वो CA है. उसके अलावा जो है ना CA है. CA इज़ बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ACCA, ठीक है. ये दोनों फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, या कोई भी अकाउंटिंग या बिजनेस वाली फील्ड्स की तरफ, ये सारी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, आप इनकी तरफ भी जा सकते हो, ठीक है. इसके अलावा जो है वो CA में ये होता है कि आप बच्चा अगर बहुत पढ़ने वाला है, बहुत टैलेंटेड है, तो यू विल हैव यू नो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं. अगर आप जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे, जितना जल्दी कर लोगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी. और उसकी इनकम लैक्स में ही होती है और इसकी डिमांड पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. ACCA की भी और CA दोनों की. अब आपको खुद चूज़ करना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट AFNS. AFNS इज़ बेसिकली आर्म फोर्स नर्सिंग. तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है और ये गर्ल्स के लिए मुझे लगता है कि AFNS इज़ बहुत बेस्ट आफ्टर MBBS एंड BDS. AFNS इज़ सो बेस्ट बिकॉज यू विल हैव यू विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल फोर्थ ईयर. यू विल हैव सम यू नो यू स्टार्ट अर्निंग, उसके बाद यू विल हैव यू गॉट दी रैंक्स. और रैंक्स के बिल्कुल जब आपको रैंक्स लग जाते हैं तो आपकी पे साइड बाई साइड बढ़ती रहती है और आप एज अ ऑफिसर काम कर रहे होते हो. और इसका जो प्रोफेशन होता है वो नर्सिंग होता है. तो ये गर्ल्स का बहुत गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. इसमें जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है. इसमें मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी बिकॉज AFNS की गर्ल्स के लिए बहुत डिमांड है और बहुत कम सीट्स आती हैं और जो है ना वो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो 3-4 बार अप्लाई कर रहे होते हैं. तो AFNS इज़ सच अ नाइस फील्ड, मुझे लगता है कि आप इट सेल्फ एज अ ऑफिसर आप बहुत जल्दी जो है ना वो अर्न करना शुरू कर देते हो, ठीक है. और आपकी जो यानी आपकी जो जॉब होती है ना वो पक्की होती है, ठीक है. तो इन शॉर्ट जो लोग आपस में कह रहे होते हैं तो आपकी जॉब जो है ना वो कन्फर्म जॉब होती है. देन वी हैव बैचलर्स. देखो बैचलर्स का प्रोग्राम मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज यू कैन बी दी प्रोफेसर.
और बैचलर्स इन इंग्लिश मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, देन बायोकेमिस्ट्री। इंग्लिश मुझे इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो ना, इंग्लिश इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो तो ऑब्वियसली आप CSS देना चाहोगे, ठीक है। तो आप CSS अगर देना चाहते हो तो उसके अंदर इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट होता है। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ फॉर दोस्त जो बच्चे बैच 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए अनाउंसमेंट है। बैच ए के रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू गाइज कैन एनरोल योरसेल्फ इन इट। वी विल हैव रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, लाइव सेशन, वीकली टेस्ट भी होगा, और इन द एंड भी हमारा टेस्ट सीरीज होगा, लाइव सीरीज होगी। तो इट्स लाइक द फुल पैकेज विच इज फॉर 4000। दिस इज द नंबर यू हैव टू शेयर स्क्रीन शॉट ओवर दिस। और हमारे मैक्सिमम स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, तो आप 8 अक्टूबर से बिफोर, लास्ट डेट इज 8 अक्टूबर, तो इससे पहले कीजिएगा बिकॉज हमारे मैक्सिमम स्लॉट्स जो है ना वो फुल हो चुके हैं। इंशाल्लाह मिड ऑफ अक्टूबर से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और दिस सेशन इज फॉर द, यू नो, आई विल बी विद यू फॉर द इंटायर ईयर। और 4000 इज नॉट द फी फॉर अ मंथ, इट्स जस्ट अ फी फॉर अ ईयर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव कि हम बैचलर्स की बात कर रहे थे कि बैचलर्स के अंदर ये होता है कि यू हैव टू चूज अ फील्ड। उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री बहुत पसंद है मुझे पर्सनली, केमिस्ट्री बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, इनके मेरिट भी कराची यूनिवर्सिटी के बहुत हाई जाते हैं। और बैचलर को चूज़ करने से पहले यू मस्ट हैव टू सी कि कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री अच्छी है। कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हो आप देखो कि डिग्री की वैल्यू कौन सी फील्ड की है, बैचलर की है या किसकी है। बैचलर्स इन इंग्लिश इज द नाइस वन, बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, बायोस्टैट्स बहुत अच्छी है, फिजियोलॉजी इज नाइस, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, आप उसमें जो है वो अच्छा अचीव कर सकते हो। देन वी हैव टू टॉक कार्डिक परफ्यूजनिस्ट। कार्डिक परफ्यूजनिस्ट इज द फील्ड जिसके अंदर आपको जो है ना वो नेवी के बहुत सारे, यू नो, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप उसके अंदर नेवी के अंदर भी जा सकते हो। दाव करवा रहे हैं कार्डिक परफ्यूजनिस्ट के जो डिप्लोमास या पूरा यानी कोर्स आउटलाइन है, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, यू हैव टू गो देयर। इसके अलावा जो है ना वो बच्चे जो CSS का सोच रहे होते हैं ना, तो मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि बैचलर इन इंग्लिश करो या वो सब्जेक्ट करो जो CSS के अंदर है, ताकि आप जब CSS, क्योंकि जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तो मैं CSS का ही सोचती थी, तो उसके लिए मैंने बायोकेमिस्ट्री चूज़ किया था, बट मेरा ये रिग्रेट था कि मुझे इंग्लिश चूज़ करना चाहिए था, बट बायोकेमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, आई कैन नॉट लूज दिस सब्जेक्ट, तो दैट वॉज द रीज़न वाई आई चूज बायोकेमिस्ट्री इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। और जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन फॉर द बॉयज़ इज सो नाइस, इफ एन नर्सिंग प्रोफेशन फॉर बॉयज़ इज गुड, उसका बहुत स्कोप होता है। आप जो है ना एज अ, यू नो, एज अ नर्स किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट या हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग की हर जगह वैल्यू होती है, तो आप उसके अंदर भी जा सकते हो। इसके अलावा जो है वो MLT भी, कुछ एक MLT भी होता है, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस, ये भी एक अच्छी फील्ड है, न्यू फील्ड है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, काफ़ी इसकी डिमांड है। रेडियोलॉजिस्ट इज़ अ गुड फील्ड, आप उसमें जा सकते हो। इसके अलावा जो है ना आप अगर बहुत छोटे प्रोग्राम्स चाह रहे हो, IT की जितनी भी फील्ड्स है ना बहुत बेस्ट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा IT की फील्ड में ले लो। इसके अलावा IT एंड अकाउंटिंग, ये दोनों ऐसी फील्ड्स हैं जो सक्सेस की तरफ जा रही है, तो यू हैव टू गो फॉर इट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नो, और इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एल्स तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसमें और गाइड कर दूंगी। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमास होते हैं जो कि आज छोटे छोटे ईयर्स के होते हैं, कुछ 2 साल के, 6 महीने के, वो डिप्लोमास भी बहुत अच्छे होते हैं इन सेंस ऑफ, यू नो, इनकम, तो आप वो भी कर सकते हो। और यस, सो दिस इज़ आप, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और यस, के बैच ए के रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट इज़ 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर टिल 12 AM तक, तो आप उससे पहले करवा सकते हो। एंड आफ्टर दैट आई विल नॉट ऐड एनी वन इन द ग्रुप बिकॉज उसके बाद हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ आप, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।